नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक बड़ी सूचना, एक बड़ी जानकारी तो आप लोग को कल ही मिल चुकी होगी कि टीजीटी पीजीटी 2016 का बहुत सारे विषयों का रिजल्ट निकाल दिया गया है और इसमें 22,699 अभ्यर्थी सफल रहे हैं और करीब 9400 पोस्ट, 9400 से कुछ ज्यादा ही पड़ेगा और 9500 से कम पड़ेगा, इतने पोस्ट टीजीटी पीजीटी के हैं। देखिए, ज्यादातर विषयों के रिजल्ट निकाल दिए गए हैं और बहुत ही जल्द उन सभी विषयों का इंटरव्यू होगा, सभी लोग का साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार में उतने लोग सफल होंगे। अब आप देखिएगा क्या होगा। देखिए, दरअसल बात यह है कि टीजीटी पीजीटी 2016 का रिजल्ट निकाल देने से, और मतलब लिखित परीक्षा का रिजल्ट निकाल देने से ही सब कुछ सही नहीं हो जाता। उम्मीद यह करना चाहिए कि 69,000 टीचर भर्ती के संपन्न होने से पहले टीजीटी पीजीटी 2016 का पूरा परिणाम आ जाए, पूरी तरह से उसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए, मतलब टीजीटी पीजीटी 2016 पूरी तरह से संपन्न हो जाए, तब कम से कम 9400 अभ्यर्थी 69,000 टीचर भर्ती से बाहर हो पाएंगे। अगर 69,000 टीचर भर्ती पहले हो जाता है तो दिक्कत होगी, पहले टीजीटी पीजीटी 2016 को पूरी तरह से संपन्न करा लेना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी जो जिन विषयों के रिजल्ट निकल गए हैं उनका और जिन विषयों के रिजल्ट निकल गए हैं उनका इंटरव्यू कराए, साक्षात्कार कराए और उसके बाद उनका उनको सबको परिणाम दें, नियुक्ति पत्र दें और बाकी जो विषयों के जो रिजल्ट अभी नहीं निकाले गए उनको भी जल्दी से जल्दी निकाल दिए जाएं, तब 69,000 टीचर भर्ती में जो लोग हैं उनको फायदा मिल सकता है। और यही एलटी ग्रेड वाले मामले में भी है, एलटी ग्रेड का भी तमाम विषयों का रिजल्ट निकल गया है और कुछ बाकी है, हिंदी और समाज विज्ञान मुख्य रूप से बाकी है, तो हिंदी और समाज विज्ञान में भी काफी लोग सफल होंगे। हिंदी और समाज विज्ञान का देखिए पद रिक्त होने की संभावना नहीं है, जैसे एलटी ग्रेड में क्या होगा, गणित विज्ञान में तमाम पद हैं जो रिक्त हो गए हैं, 1,000 के करीब पद हैं, 400 करीब भरे हुए हैं, ऐसे ऐसे गणित विज्ञान के रिजल्ट आए हुए हैं, कंप्यूटर के रिजल्ट आए हुए हैं, तो इससे क्या है, लोग हतोत्साहित हैं, वो सोच रहे हैं एलटी ग्रेड में ऐसे ही चलेगा, 10,000 पद हैं, बहुत कम ही पद भरे जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अभी तो ज्यादा से ज्यादा पद हिंदी और सामाजिक विज्ञान का है और हिंदी और सामाजिक विज्ञान में पद रिक्त होने वाले नहीं है। अगर 10,000 हैं, 10,000 एलटी ग्रेड के पद हैं और कितना भी खराब से खराब रिजल्ट आया तब भी 5,000 से अधिक लोग सिलेक्शन पाएंगे, नियुक्ति पत्र पाएंगे और 5,000 वह लोग जरूर होंगे जो 69,000 टीचर भर्ती में हैं। और टीजीटी पीजीटी 2016 में भी जो 9400-9500 लोग सफल होंगे, नियुक्ति पत्र पाएंगे, वो भी 69,000 टीचर भर्ती में हैं। देखिए कमेंट, कुछ लोग कमेंट किया करते हैं मेरे वीडियो पर, तो उन लोग कुछ लोगों में से कुछ बुद्धिजीवी ऐसे थे, जो कहते थे क्या जरूरी है कि जिन्होंने टीजीटी पीजीटी 2016 में बीट किया हो, जिन्होंने एलटी ग्रेड में बीट किया हो, 69,000 टीचर भर्ती में उनका अच्छा खासा नंबर हो, क्या वह 69,000 टीचर भर्ती में सफल हो, क्या यह जरूरी है क्या, वह ऐसा पूछ रहे हैं। आप खुद सोचिए, मैं नहीं कहता हूं, आप खुद बताइए, 69,000 जिन्होंने टीजीटी पीजीटी 2016 में जगह पा लिया है, जिन्होंने एलटी ग्रेड में जगह पा लिया है, मैं उम्मीद करता हूं, हो सकता है जरूरी तो बहुत कुछ नहीं है, जो आवश्यक तो बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ असंभव हो सकता है, लेकिन यह उम्मीद किया जा सकता है 99.9% यह तय है कि जिन्होंने एलटी ग्रेड में और पार्टिसिपेट किया एलटी ग्रेड में, जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, जो एलटी ग्रेड में बीट करते हैं, जो टीजीटी पीजीटी 2016 में बीट करते हैं, उनका अच्छा खासा नंबर वह 69,000 टीचर भर्ती में रहे ही होंगे, क्योंकि वह सभी बीएड वाले हैं, 69,000 टीचर भर्ती में रहे ही होंगे और अच्छा खासा नंबर उठाए होंगे। जब इतनी बड़ी परीक्षा में वह सफल होते हैं तो क्या 69,000 टीचर भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा उनके लिए क्या है? आप किसी एक को लाइएगा, अगर वह असफल होता है तो उसका कुछ व्यक्तिगत कारण रहा होगा, हो सकता है उसने सही से कुछ पढ़ा ना हो सकता है उन्होंने उन परीक्षा देते समय कुछ लापरवाही हो गई हो, लेकिन 99% यह तय है कि वह सभी लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी सफल होंगे और अच्छे खासे नंबर के साथ सफल होंगे, उनका नंबर जब भी होगा तो 100+ होगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो आप समझ लीजिए 9500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी 2016 से और कम से कम 5,000 ऐसे लोग हैं जो एलटी ग्रेड से भी हैं, तो यह 9500 लोग भी
69,000 टीचर भर्ती की भीड़ से बाहर होने वाले हैं, ये 5,000 जो हैं वो भी एलटी ग्रेड की भीड़ से बाहर होने वाले हैं, 20,000 ऐसे लोग हैं जो 68,500 में नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, वह भी लोग नियुक्ति पत्र लेने नहीं आएंगे, वह अपना काउंसलिंग नहीं कराएंगे और काउंसलिंग करा भी नहीं सकते। ऐसे लोगों की संख्या भी 20,000, कम से कम 20,000 ऐसे लोग हैं। मैं तो 50-60 लोगों को ऐसे जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, जो 68,500 में नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, जो अभी सैलरी उठा भी रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं और वह 69,000 टीचर भर्ती में उनका शिक्षक भर्ती परीक्षा में अच्छा खासा नंबर भी है और वह नियुक्ति पत्र लेने नहीं आएंगे। ऐसे लोगों की संख्या 20,000 है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी खासी भीड़ और कितने अच्छे खासे ऊपर की मेरिट से लोग बाहर होंगे, ऊपर की मेरिट से शीर्ष से बाहर हो रहे हैं, यह आप लोगों को समझना है। और यह देखिए 20,000 लोग मतलब पहले के 68,500 से फिर 5,000 एलटी ग्रेड से बाहर हो जाएंगे, 9,500 ऐसे लोग हैं जो टीजीटी पीजी 2016 से बाहर हो जाएंगे। और जनवरी से लगातार जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अदर अदर स्टेट में, तमाम परीक्षाएं भी बताने का आवश्यकता नहीं है, वह भी लोग कम से कम ऐसे लोगों की संख्या भी 8,000 है। तो आप सोच सकते हैं कि 8,000, 9,500, 5,000, 20,000 कितने लोग इस 69,000 टीचर भर्ती से बाहर होने वाले हैं और शीर्ष से बाहर होने वाले हैं और इस भीड़ से बाहर होकर अदर जगह वह सिलेक्ट हो चुके हैं या सिलेक्ट होंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा अवसर है। और 69,000 टीचर भर्ती में अगर जजमेंट जो है 60-65 के पक्ष में आता है, और 60-65 के पक्ष में आना ही चाहिए, अगर 60-65 के पक्ष में आता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने गुणांक को लेकर हतोत्साहित हैं कि हमारा गुणांक कम है। तो पहले ही बता दिया हूं, अब गुणांक मैटर करता ही नहीं, आपका गुणांक कुछ भी हो, 60 हो, 62 हो, 64 हो, 63 हो, 59 हो, 58 भी हो, अगर आपने 60-65 क्वालिफाई किया है तो आपको नियुक्ति पत्र मिलना तय है। अगर 60-65 पर जजमेंट आते हैं, 60-65 पर नियुक्ति संपन्न होती है तो। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो की जो मैं बताना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि 69,000 टीचर भर्ती से पहले, जल्द से जल्द 69,000 टीचर भर्ती संपन्न होने के पहले जो टीजीटी पीजीटी 2016 है यह संपन्न हो जाना चाहिए, एलटी ग्रेड संपन्न हो जाना चाहिए, यह संपन्न होना ही चाहिए, बहुत जल्द संपन्न हो जाना चाहिए। 69,000 टीचर भर्ती के संपन्न होने से पहले इन दोनों भर्तियों को संपन्न करना ही होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर इन दोनों भर्तियां संपन्न हो गई तो कमाल हो जाएगा दोस्तों, फिर कमाल हो जाएगा, आप जो यकीन नहीं करते थे वह सब हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, फिर वही होगा जो मैं कहा हूं, सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा, बहुत सारी सीटें रिक्त रह जाएंगी और उसके बाद गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, बाकी लोग अगर चयन करना चाहे चयन कर ले या फिर से सीटें रिक्त रहने दे, जैसा भी हो, लेकिन फिर किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों, अब किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी 2016 हो या एलटी ग्रेड हो, इन सभी विषयों के परिणाम जो निकाल दिए गए हैं उनका जल्दी जल्दी एलटी ग्रेड वालों का सत्यापन हो जाए और टीजीटी पीजीटी 2016 का साक्षात्कार हो, उसके बाद नियुक्ति पत्र मिल जाए। जल्द से जल्द मतलब 69,000 टीचर भर्ती के संपन्न होने से पहले इन दोनों भर्तियों को संपन्न करना ही होगा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारा एक और चैनल है वकील साहब नाम से है, जिस पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाइएगा उस चैनल से जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, वकील साहब चैनल है। तो देखिए दरअसल यह चैनल बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, देखिए इस समय मैं कुछ जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, मैं एलएलबी कर रहा हूँ, तो मैं चाहता था कि मेरे पास जो भी कुछ जानकारियां हैं, जो भी कुछ मैं जानता हूं, वह सभी आप लोग को बताऊं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा जानकार हूं, बहुत ज़्यादा मेरे पास ज्ञान है, लेकिन मैं आप लोग को अपना समझता हूं। मैं मानता हूं कि अगर मेरे पास मुट्ठी भर भी ज्ञान है तो उस पर आपका हक है, उस पर आपका अधिकार है, वह मैं आप सभी को देना चाहता हूं। तो यह जो वकील साहब चैनल है, इस तरह का कोई चैनल हमको यूट्यूब पर दिखा ही नहीं, जो मतलब इस कुछ निश्चित उद्देश्य के लिए शुरू किया जाए। तो वकील साहब जो चैनल है, इस चैनल से जो लाभान्वित होंगे, जो एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो एलएलएम की पढ़ाई कर रहे हैं, जो शोध कार्य कर रहे हैं, जो अधिवक्तागण दीवानी में या फौजदारी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, या जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या आम जनमानस, सबसे बड़ी बात है यह, जो भी आम जनमानस है, जो पब्लिक है, अगर वह कानून के विषय में जानना चाहती है, वह कानूनी दावपेच जानना चाहती है, वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानना चाहती है,
तो वह इस चैनल से लाभान्वित हो सकती है दोस्तों। तो आप लोग जाइएगा वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल से जुड़े हैं चैनल जुड़ जाइएगा और उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा, उसको शेयर जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार।